भाई कूपर 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 बेंटन क्लासिक का ये कैरेक्टर जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ही ज्यादा मिस्ट्री से भरा हुआ है, और इस कैरेक्टर के पास खास तरह की पावर है जो इसे और भी ज्यादा अमेजिंग बनाती है। आखिर कौन है कूपर और कैसी खास तरह की पावर है इसके पास, सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो वीडियो में बने रहना और वीडियो को एंड तक देखना और जानेंगे कूपर की पूरी ओरिजिन स्टोरी। और भाई जिसको भी कूपर के ऊपर डाउट है वो तो इस वीडियो को जरूर देखना। तुमने कैसे किया? मैंने कहा था ना मैं मैकेनिकल चीजों में एक्सपर्ट हूँ। तो भाई कूपर की कहानी की शुरुआत होती है बेंटन क्लासिक के सेकंड लास्ट एपिसोड बेंटन नेगेटिव पार्ट 1 से, जहाँ पे हमें कूपर पहली बार बेंटन क्लासिक के सेकंड लास्ट एपिसोड में दिखता है। और कूपर के भी ग्रैंपा एक प्लम्बर होते हैं और ग्रैंपा मैक्स के अच्छे दोस्त होते हैं, और कूपर भी अपने ग्रैंपा के जैसे एक अच्छा प्लम्बर बनना चाहता है। कूपर के फैंस सोचते होंगे कि कूपर एक नॉर्मल ह्यूमन है, पर ऐसा नहीं है। कूपर एक म्यूटेटेड ह्यूमन है जो कि किसी भी टेक्नोलॉजी डिवाइस को बना सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। कूपर को बेन के ऑमिटिक्स और यहाँ तक कि ग्वेन के मैजिक बुक के बारे में पहले ही पता होता है। वो इसलिए क्योंकि कूपर को ग्रैंपा मैक्स खुद बताते हैं। वो इसलिए क्योंकि ग्रैंपा मैक्स के प्लम्बर दोस्त का ग्रैंडसन होता है कूपर, इस वजह से ग्रैंपा मैक्स को उसे सब कुछ बताना पड़ता है। पर कूपर कैरेक्टर के बारे में हमें बेंटन क्लासिक में कुछ नहीं बताया गया। वो इसलिए क्योंकि जब तक कूपर के बारे में कुछ बताया जाता तब तक बेंटन क्लासिक खत्म हो चुका था। पर वापस से हमें कूपर बेंटन एलियन फोर्स में दिखाया जाता है, जहाँ पे कूपर डेन एलियन के लिए एक इनविजिबल मशीन बना रहा होता है और उसके लिए सूटेबल वेदर वाली मशीन भी बना रहा होता है कूपर। बेंटन एलियन फोर्स में कूपर के बारे में एक और चीज बताई जाती है कि कूपर ग्वेन के पीछे लट्टू होता है, पर ग्वेन उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, जिसकी वजह से कूपर को रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद कूपर का एक मेन रोल होता है वॉर ऑफ वर्ल्ड पार्ट 1 वाले एपिसोड में, जहाँ पे कूपर बहुत सारे डीएनए राइफल गन बनाता है, जिसकी वजह से जितने भी डीएनए एलियन होता है वो वापस से ह्यूमन बन जाता है एक ही शॉट में। तो वो सिर्फ और सिर्फ कूपर की वजह से ही होता है, और मेन रोल होता है कूपर का इस वाले एपिसोड में। इसके बाद कूपर हमें बेंटन अल्टीमेट एलियन के एपिसोड एब्सोल्यूट पावर पार्ट 2 में दिखता है, जहाँ पे कूपर अचानक से बड़ा हो जाता है और बेन और ग्वेन भी उसे नहीं पहचान पाते, और कूपर यहाँ पे पहले से भी ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम बन गया होता है। और एक बार फिर से कूपर बेन के लिए वो काम कर देता है जो कि और कोई नहीं कर पाता, क्योंकि कूपर अल्टीमेट केविन को नॉर्मल केविन में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है और केविन वापस से नॉर्मल केविन कूपर की वजह से ही बन पाता है। इसके बाद कूपर हमें बेंटन अल्टीमेट के उस वाले एपिसोड में दिखता है, जहाँ पे कूपर एक प्लम्बर बन गया होता है और कूपर का सपना पूरा हो गया होता है, और वो एपिसोड का नाम होता है प्रिजनर नंबर 775 मिसिंग वाले एपिसोड में। इसके बाद हमें कूपर बेंटन ऑमनिवर्स में दिखता है, जहाँ पे उसका आर्ट डिजाइन को चेंज कर दिया जाता है और कूपर उस वक्त छोटा होता है, तो इसको मतलब हो सकता है कि उस वक्त बैक स्टोरी बताई जा रही होगी सबकी। तो यहीं पे खत्म होती है कूपर की पूरी ओरिजिन स्टोरी और उसके रिलेटेड सभी ऑसम फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और कूपर के फैंस अपनी टेक्नोलॉजी पावर का यूज करो और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ आपको बेंटन के ऐसी किसी अमेजिंग कैरेक्टर की ओरिजिन वीडियो में। ओह ये अच्छा काम किया तुमने, एक ही शॉट में डीएनए एलियन से इंसान बना डाला।